जतन धूप लगे आवे तू मेरी ही करता हूँ मैं तुझे बगैर ना को जतन धूप तो भाई लोगों आ चुका हूँ फिर से एक और न्यू स्टेटस वीडियो की एडिटिंग को लेकर। तो आज के इस वीडियो में आप भी अपने जो फ़ोन की स्क्रीन पर वीडियो देखा इस तरीके के ट्रेंडिंग स्टेटस वीडियो को किस तरीके से बनाया जाता है आज के इस वीडियो में कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दे। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। रोजाना ऐसी एडिटिंग का ट्यूटोरियल मिलता रहेगा। करो वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना। सो गाइस अभी आप लोगों ने जो फोन की स्क्रीन पर स्टेटस वीडियो का प्रीव्यू देखा इस तरीके का स्टेटस वीडियो बनाने के लिए आप लोगों को दो एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है पिक्सार्ट एप्लीकेशन और वीएन एप्लीकेशन। दोनों एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगी तो वहां से डाउनलोड कर लेना। उसके बाद आप लोगों को सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक भी कर दें। ऑल मटेरियल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से डाउनलोड कर ले। लेकिन उसके ऊपर पासवर्ड होगा तो पासवर्ड वीडियो में मिल जाएगा, इसलिए लास्ट तक बने रहे तभी आप उसे डाउनलोड कर पाओगे। तो सबसे पहले आप लोगों को वीएन एप्लीकेशन को ओपन कर लेना होगा। उससे पहले आप पिक्सार्ट एप्लीकेशन में फ़ोटो को ब्लर कर लेना जिस फोटो पर आप अपना स्टेटस बनाना चाहते हो। इस तरीके का इंटरफेस आ जाने के बाद नीचे प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से ऊपर फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना और यहाँ से एक ब्लर फोटो सेलेक्ट कर लेना जो पिक्सार्ट से आपने बनाया हो। मैंने पहले से ही ब्लर करके रखा था। उसके बाद बैक चले जाना। बैक जाने के बाद ये ब्लैक पट्टी, इसको यहाँ से डिलीट कर लेना। उसके बाद ऊपर ओरिजिनल पर क्लिक कर लेना और यहाँ से बहुत सारे फ्रेम खुल जाएंगे तो आपको 9:16 का रेशो सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद इसकी ड्यूरेशन बढ़ा देनी जितना स्टेटस बनाना चाहते हो, तो मैं इतना बढ़ा देता हूँ, इस तरीके से देख सकते हो। उसके बाद आप लोगों को प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना होगा, वीडियो एंड फोटो पे क्लिक करना होगा इस तरीके से। उसके बाद ये जो ग्रीन स्किन इमेज है इसका भी डाउनलोड लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो इसको डाउनलोड कर लेना। उसके बाद आप लोगों को क्या कर लेना होगा, फ़ोटो के ऊपर इस तरीके से क्लिक करना है और यहाँ से फिल्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, एडजस्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पे आप लोगों को विग्नेटी वाला ऑप्शन को ढूंढ लेना होगा। देख सकते हो इस तरीके से ये आ जाएगा। उसके बाद इसको खींच के इस तरीके से फुल कर देना। उसके बाद इसमें ये ब्लैक ब्लैक इफेक्ट आ चुका है, देख सकते हो। उसके बाद आप लोगों को क्या कर लेना होगा, यहाँ से थर्ड नंबर पे प्लस वाला आइकन पर क्लिक कर देना होगा, वीडियो फोटो पर क्लिक करना और ये जो ग्रीन स्किन फोटो इसको इस तरीके से ले लेना होगा यहाँ से, देख सकते हो। उसके बाद यहाँ से इसको कर लेना होगा फिल, आप लोगों को इस तरीके से देख सकते हो। उसके बाद इसकी ड्यूरेशन बढ़ा लेनी होगी लास्ट तक, इस तरीके से देख सकते हो। उसके बाद ऊपर ग्रीन कलर में एरो वाले ऑप्शन से इसको सेव कर लेना होगा अपने फ़ोन की गैलरी में, इस तरीके से मैं बता रहा हूँ वैसे आप लोगों को सेव कर लेना होगा। उसके बाद ये यहाँ से 100% होकर सेव हो जाएगा। उसके बाद सेव टू एल्बम पे क्लिक कर लेना होगा, फिर से प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना, न्यू प्रोजेक्ट लिखा है इसके ऊपर क्लिक करना है कैंची वाले के पास और यहाँ से फ़ोटो वाले ऑप्शन पे जाना और जो सही फ़ोटो है वो यहाँ से ले लेना होगा आप लोगों को। जो उसी फ़ोटो का ब्लर फोटो नहीं है वो ले लेना है यहाँ से और नीचे एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद पीछे ये ब्लैक पट्टी, इसको डिलीट कर लेना होगा इस तरीके से और इसकी ड्यूरेशन बढ़ा लेनी होगी आप लोगों को जितनी पिछली बार आपने रखी हो उतनी ड्यूरेशन। उसके बाद ऊपर ओरिजिनल पे क्लिक कर लेना और यहाँ से 9:16 का रेशो ले लेना होगा आप लोगों को, देख सकते हो। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को लाइक भी कर दो, ऐसे रोजाना एडिटिंग ट्यूटोरियल मिलते रहेंगे। उसके बाद नीचे प्लस वाला आइकन पे क्लिक कर लेना होगा, वीडियो एंड फोटो पर क्लिक कर लेना होगा और यहाँ से अभी हमने जो वीडियो बनाया है उसको यहाँ से ले लेना होगा, इस तरीके से देख सकते हो। उसके बाद ये यहाँ से प्रोसेसिंग होकर अपने आप ऐड हो जाएगा। देन गाइज इस तरीके से आ जाएगा ये। उसके बाद यहाँ से इसको कर लेना होगा फील। फील कर लेने के बाद आप लोगों को यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा क्रोमा, क्रोमा वाले ऑप्शन पे क्लिक करना और जो मार्क है इसको यहाँ से इस तरीके से
ग्रीन ग्रीन इसके ऊपर रख लेना होगा, इस तरीके से देख सकते हो। उसके बाद फोटो के ऊपर क्लिक करना है, दोनों हाथों से इस तरीके से फोटो को अच्छे से एडजस्ट कर लेना होगा, जैसा मैं उसमें बता रहा हूँ इस तरीके से प्रीव्यू जैसा स्टेटस बनाने के लिए। उसके बाद ये जो फ्रेम है इसको यहाँ से इस तरीके से रख के, और ये जो फोटो इसको इस तरीके से छोटा बड़ा करके आप यहाँ से अच्छे से एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जितना भी आप लोग रखना चाहते हो इस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से एडजस्ट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ से प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है, वीडियो एंड फोटो पर क्लिक करना है, ऊपर एक वीडियो इफेक्ट डाउनलोड लिंक है उसको यहाँ से ले लेना होगा। उसके बाद इस तरीके से ले लेने के बाद इसको भी यहाँ से कर लेना होगा फील, फील कर लेने के बाद बगल में ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना होगा और यहाँ से इसको कर लेना होगा स्किन, देख सकते हो। उसके बाद इसमें इस तरीके का इफेक्ट लग चुका है। उसके बाद फिर से थर्ड नंबर प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना, वीडियो एंड फोटो पर क्लिक करना, और एक और हार्ट इफेक्ट वीडियो का लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसको भी यहाँ पे ऐड कर लेना होगा, तो मैं उसको भी ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद इसको फिल कर लेने के बाद बगल में ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे आप लोगों को क्लिक कर लेना होगा और यहाँ से इसको भी स्किन कर लेना होगा। तो उसके बाद देख सकते हो इस तरह का इसमें इफेक्ट लग चुका है, जैसे आप लोगों ने वीडियो के प्रीव्यू में देखा था। उसके बाद इसमें हमें लिरिक्स वीडियो ऐड करना होगा, उससे पहले इसमें एक और वीडियो डाउनलोड कर लेना आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और इसको भी यहाँ पे ऐड कर लेना होगा, ये वाला वीडियो यहाँ से ले लेना, ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ से इसको भी कर लेना होगा स्किन। स्किन कर लेने के बाद इसकी साइज़ इस तरीके से आप बड़ी कर सकते हो इन वाले एरो वाले ऑप्शन पे, और यहाँ से इस तरीके से इसको ले लेनी होगी, देख सकते हो इस तरीके से इसको यहाँ पे सेट कर सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग, उसके बाद देख सकते हो। उसके बाद अब लास्ट में हमें इसमें लिरिक्स वीडियो ऐड करनी होगी, तो उसके लिए प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना, वीडियो एंड फोटो पर क्लिक करना, और जो भी लिरिक्स पसंद आए आप लोगों को वो यूट्यूब से डाउनलोड कर लेना ब्लैक स्किन लिरिक्स, और यहाँ से इस तरीके से ले लेनी होगी आप लोगों को, देख सकते हो। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक भी कर दे, रोजाना ऐसे एडिटिंग ट्यूटोरियल मिलते रहेंगे आप लोगों को। वीडियो के बारे में कॉमेंट भी कर दे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसके बाद यहाँ से ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे जाना है और आप लोगों को इसको भी कर लेना होगा इस तरीके से स्किन। स्किन कर लेने के बाद इसकी साइज़ बढ़ा लेनी इस तरीके से, साइज़ बढ़ा लेने के बाद यहाँ पे इसको अच्छे से इस तरीके से सेट कर लेना होगा, जहाँ पे भी आप इसको सेट करना चाहते हो इस तरीके से। मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ, आप चाहो तो इस ब्लैक पट्टी पर भी रख सकते हो, लेकिन ये लिरिक्स उसमें दिख नहीं रही थी तो इसलिए मैं इसको यहाँ पर सेट कर रहा हूँ इस तरीके से। यहाँ पे बीच में मैं अच्छे से लगा दूंगा इस लिरिक्स वीडियो को इस तरीके से। उसके बाद आप लोगों को क्या कर लेना होगा, सिंपली लिरिक्स वीडियो पे क्लिक कर लेना होगा और यहाँ से आप लोगों को एक ऐप्स ऑप्शन दिखेगा वॉल्यूम, वॉल्यूम पे जाके इसको 100% कर देना, तभी आपके स्टेटस में वॉल्यूम आएगी, नहीं तो स्टेटस में वॉल्यूम ही नहीं आएगी। उसके बाद प्रीव्यू जैसा स्टेटस बन के कम्प्लीट हो चुका है, उसके बाद ऊपर एरो वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से राइट कर लेना होगा, तो आपके फ़ोन की गैलरी में सेव होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को यह स्टेटस वीडियो की एडिटिंग पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड वीडियो के बारे में एक कमेंट भी कर दें। मैं मिलूंगा नए वीडियो के साथ में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।